हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू स्टडी इंडिया द डिजिटल वे ऑफ लर्निंग। दोस्तों, इस चैनल पे रेगुलर एसएससी जेई का क्लासेस चल रहा है दोस्तों, जिसमें आज का लेक्चर में हम लोग देखेंगे बायोलॉजी का क्वेश्चन। ठीक है, बायोलॉजी का एक लेक्चर इस चैनल पे ऑलरेडी अपलोड हो गया है, बायोलॉजी का एक दूसरा लेक्चर है, और मैं बता दूं एसएससी जेई का एक छठा लेक्चर है। मैं बता दूं आपके एग्जाम को देखते हुए इस चैनल पे दो टाइम एसएससी जेई का क्लास चलाया जा रहा है, डेली 7 PM में और डेली 9 AM में। आप दोनों टेस्ट लगाएं। और दूसरी बात, दो से तीन वीडियो और आपको इस चैनल पे मिलेगा, ताकि सिलेबस को जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए। जो भी क्वेश्चन करवाया जाएगा, इंग्लिश हिंदी क्वेश्चन होगा, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन होगा दोस्तों, जो अक्सर आने की प्रोबेबिलिटी रहता है एग्जाम में, वही क्वेश्चन इस चैनल पे करवाया जाता है, जो एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले, जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, ताकि जो प्रैक्टिस सेट इस चैनल पे चलती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट होती है, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। और वीडियो को एक दिल से लाइक कर दें और सभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। आप हमारे एक न्यू चैनल स्टडी इंडिया अड्डा व्लॉग, जो आप लोगों के लिए लॉन्च हुआ है, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, उसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 101 नंबर क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा पहला वाला लेक्चर में, आज 101 से देखेंगे। आज हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी तक जा सकते हैं। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स इज द सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम। आपसे पूछा जा रहा है कि दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन है, सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम आपसे पूछा जा रहा है। इसका करेक्ट आंसर की बात करिए तो ऑप्शन ए मोलस्का क्या है दोस्तों, सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम। आपसे बोला जाए फर्स्ट लार्जेस्ट एनिमल फाइलम, आपको कमेंट में बताना है, क्योंकि इसका आंसर मैं पहला वाला लेक्चर में करवा दिया था। तो पहला वाला जो लेक्चर देखे हैं, वो फटाफट अपना कमेंट में कमेंट आंसर दे दे कि फिल इन द ब्लैंक्स इज द फर्स्ट लार्जेस्ट एनिमल फाइलम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following does not hold true for animal belonging to phylum Chordata? Phylum Chordata का आपसे character पूछा जा रहा है। Does not hold true, यानी phylum Chordata के लिए सही नहीं है, वो option आपको बताना है। तो इसका correct answer की बात करें तो heart is dorsal, ये गलत है। Heart क्या होती है Chordata में, ventral होती है। ठीक है, चलिए next question, बाकी सही है। Notochord present होता है Chordata में। Pharynx proliferated by gill cilt, ये भी present होती है जी, ये भी होती है। A post anal tail is present, ठीक है, ये भी होती है। Post anal tail यानी जो पूछ होती है ना, पूछ भी present होता है anal के side। Heart is dorsal नहीं होता Chordata, phylum Chordata के मैं बता रहा हूँ, याद रखिएगा। Heart उसमें ventral होता है अगर present होगा तो। ठीक है, चलिए next question। Which of the next question, which of the following phylum are also called flatworms? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट VBI, जो क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करवा रहा हूं, वो क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। सभी को, जितने लोग लाइव देख रहे हैं जी, सभी लोग आंसर करते हुए चले, ताकि आपको ये क्वेश्चन याद होते जाए। और सबसे बेस्ट मेथड है ऑनलाइन स्टडी करने का, कि साथ ही साथ याद करें। जो क्वेश्चन गलत होता है उसे कॉपी पे लिख लें या उसे स्क्रीनशॉट ले लें, किसी माध्यम से गलत क्वेश्चन हो उसे याद करने का कोशिश करें। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम आर आल्सो कॉल्ड फ्लैटवर्म्स। फ्लैटवर्म्स किसे कहा जाता है, कौन फाइलम्स को कहा जाता है जी? प्लेटी हेलमेंटिस को क्या बोलते हैं, फ्लैटवर्म्स कहते हैं। प्लेटी हेलमेंटिस को क्या बोला जाता है, फ्लैटवर्म। चले आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। साइकून, साइकून का दूसरा नाम क्या है भाई, स्काइफा इसको बोला जाता है। स्पॉन्जिला को क्या बोला जाता है, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज बोला जाता है। यू स्पॉन्जिया को क्या बोला जाता है, बाथ स्पॉन्ज। ये सब दोस्तों 11th का एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखा हुआ है। 11th का एनसीईआरटी एनिमल किंगडम आप लोग देखेंगे तो इसमें तो तीन एग्जाम्पल का जिक्र किया, वहां पे 5 एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा। ये पूछ रहा है साइकोन, स्पॉन्जिला और यू स्पॉन्जिया कौन सा फाइलम से बिलोंग करता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर बात करें जी, पोरीफेरा, पोरीफेरा से बिलोंग करता है। दूसरी बात, यहां से एक क्वेश्चन और बनेगा, वो भी माइंड में होना चाहिए कि फ्रेश वाटर स्पॉन्ज किसे कहा जाता है। पहला क्वेश्चन, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज किसे कहा जाता है, याद होना चाहिए। स्पॉन्जिला को फ्रेश वाटर स्पॉन्ज कहते हैं। बाथ स्पॉन्ज किसे कहा जाता है, यू स्पॉन्जिया को बाथ स्पॉन्ज कहा जाता है। स्काइफा साइकोन के कहा जाता है। क्लियर यहां तक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
बेस्ड ऑन अ कॉमन फीचर, आपको पता होना ये सब क्वेश्चन एनिमल किंगडम का देख रहे हैं, ठीक है। एनिमल किंगडम के बाद हम लोग मेजर ऑर्गेनिज्म में बढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग अपना ह्यूमन फिजियोलॉजी, जैसे डाइजेशन हो गया, एक्सक्रेशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, ब्रीथिंग सिस्टम हो गया, सारा सिस्टम का क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद डिजीज का भी क्वेश्चन देखेंगे, विटामिंस पे जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी क्वेश्चन देखेंगे। बस आपको चैनल को रेगुलर फॉलो करते रहना है। चलिए 105 नंबर क्वेश्चन क्या है। बेस्ड ऑन द कॉमन फीचर लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, डोर्सल हॉलो, न्यूरल सिस्टम्स, एनिमल्स लाइक फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, वर्ड्स अलॉन्ग विथ मैमल्स आर इंक्लूडेड इन बीच ऑफ द फाइलम भाई। ये आपको प्रॉपर्टी दे रखा है और आपसे पूछ रहा है ये कौन सा फाइलम का प्रॉपर्टी है। जो दोस्तों अगर फाइलम अच्छे से पढ़े हैं ना वो आराम से कर लेंगे, लेकिन अभी अपने पास चैप्टर पढ़ाने का टाइम नहीं है। जितना से जितना क्वेश्चन हो जाए वही अपने पास टाइम है, क्वेश्चन लगाने का टाइम है। तो ये सब दोस्तों कोरोडाटा का है, ठीक है ना, कोरोडाटा का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्टेरिस। एस्टेरिस को क्या बोला जाता है जी, स्टारफिश। ये याद रखना, एस्टेरिस को स्टारफिश कहते हैं। इचनस सीलीफी, सीलीफी किसको बोलते हैं, इचनस को। सी लीली, सी लीली, लीली एक तो फूल होता है जी, लेकिन समुद्र का लीली किसको बोला जाता है, एंटीडॉन को बोला जाता है। आर एग्जाम्पल ऑफ फाइलम, कौन सा फाइलम का एग्जाम्पल है भाई, तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें, ये सब इकाइनोडर्माटा के एग्जाम्पल है। इकाइनोडर्माटा एक तरह का फाइलम है जिसमें स्टार फिश आते हैं, सी लीली, सी लीफी आती है, सी लीली आती है, ये सब आते हैं उसमें, ठीक है। समुद्री लीली, समुद्री अर्चिन, तारामीन हिंदी में उसका एस्टेरिस का नाम हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकस्ट, बटरफ्लाई, स्कॉर्पियन एंड प्रान आर एग्जाम्पल ऑफ ईच फाइलम। आपसे पूछा जा रहा है जी ये सब एग्जाम्पल कौन सा फाइलम से, कौन सा फाइलम का एग्जाम्पल है, इसका करेक्ट आंसर बता दें सभी लोग। इतने लोग देख रहे हैं, फटाफट इसका करेक्ट आंसर बताएं। ये सब दोस्तों आर्थ्रोपोडा का है। आर्थ्रोपोडा का कौन सा एग्जाम्पल है, लोकस्ट हो गया, बटरफ्लाई हो गया, स्कॉर्पियन हो गया, स्कॉर्पियन जानते हैं ना बिच्छू, प्रान, प्रान एक तरह का मछली है जी, झींगा मछली, और लोकस्ट का मतलब टीडा होता है, बटरफ्लाई तो जानते हैं तितली, ये सब किसका एग्जाम्पल है, ये सब ऑर्थोपोडा का एग्जाम्पल है। और मैं एक क्वेश्चन पूछा था ना स्टार्टिंग में कि लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है एनिमल किंगडम का, तो वो ऑर्थोपोडा है। ये क्वेश्चन मैं पहले जिक्र किया था, जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें ये क्वेश्चन जिक्र किया था, और सेकेंड लार्जेस्ट मोलस्का, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वेन अ कटल फिश इज डिस्क्राइब्ड एज अ मोलस्क, इट इज एट बीच लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन। जी आपसे पूछा जा रहा है कि कटल फिश को हम लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं कहाँ पे, मोलस्क के लेवल पे रख रहे हैं, ठीक है, डिस्क्राइब्ड एज मोलस्क। तो इट इज एट बीच लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन, आपसे पूछ रहा है कौन सा लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन होगा जी। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो ये फाइलम है, ठीक है ना, मोलस्क का क्या है, एक तरह का फाइलम है। जाहिर सी बात है जी, ऑर्थोपोडा हो गया, मोलस्का हो गया, पोरीफेरा हो गया, सिलेंट्रेटा हो गया, टीनोफेरा हो गया, एकाइनोडर्माटा हो गया, हेमिकोडाटा हो गया, और सारा है, ये सब क्या है, ये सब फाइलम है, ठीक है ना। तो ये सब जो है, जो मैं नाम अभी बताया वो सब फाइलम का लेवल पे आता है, तो आप ध्यान देना आज के बाद ये सब पूछे तो फाइलम लगा के आना। चलिए कंफ्यूज ना होना है, बीच ऑफ द फ्लोबिंग इज अ ट्रू अबाउट कोर्डेट्स, कोर्डाटा के, अच्छा कोर्डेट्स के आपसे पूछ रहा है ना, कोर्डाटा में आपको ट्रू बताइए और अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ये जेई में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप देखिए लगता है क्वेश्चन रिपीट हो गया है ना शायद, अभी मैं पहले करवाई इसी टाइप का क्वेश्चन। चलिए तो आंसर बता लिया जाए, हॉट इजमेंट। हाँ देखिए वहां पे क्या लिखा हुआ था, वहां पे गलत देखना था, को डाटा के बारे में गलत देखना था, लेकिन यहाँ पे ट्रू देखना है जी, ट्रू देखना है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्वेश्चन मतलब बोले ना, क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग एक ही टाइप का है लेकिन क्वेश्चन चेंज है, अच्छे से देखना। वहां पे जो कोडेट्स का था कि आपको गलत बताना था और यहाँ पे सही बताना था, तो वहां पे गलत क्या बताए थे, हार्ट जो है वो डोर्सल वहां पे दिया हुआ था, लेकिन कोडाटा का प्रॉपर्टी होता है कि हार्ट उसमें क्या होती है जी, वेंट्रल होती है, ठीक है, इसीलिए ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। कोडाटा का प्रॉपर्टी होता है हार्ट क्या होगी, वेंट्रल होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लियर यहां तक, सभी को क्लियर होना चाहिए। मेंबर्स फिल इन द ब्लैंक्स, एनिमल फाइलम्स आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस एंड दे आर जनरली मैरिन एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, आपसे पूछ रहा है ये जो है ना, ये फाइलम का आपको दे दिया है प्रॉपर्टी, ठीक ना, वही प्रॉपर्टी डायरेक्ट जो एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी, इसीलिए बोला जाता है मेरे भाई कि एनसीईआरटी अच्छे से सभी लोग पढ़ाई कर ले, एनसीईआरटी का डायरेक्ट लाइन आपको इसमें क्वेश्चन में इम्पोज कर दिया, बस वहां पे चिपकाया हुआ है, एनसीईआरटी के लाइन उठाकर क्वेश्चन में चिपका दिया है।
Members fill in the blanks. Animal phylums are commonly known as sponges and they are generally marine and mostly asymmetrical. सबसे पहली बात आपसे क्या कहा जा रहा है, symmetrical, asymmetrical है. Animal जो है वो asymmetrical है जी. और दूसरी बात marine है, asymmetrical है. और sponge, अरे भैया sponge बोल दिया तो पता चल गया, स्पॉन्ज बोल दिया तो इतना सोचना कुछ है. पोरीफेरा में तो स्पॉन्जेस देखे थे. यहाँ पे देखो मेंबर्स ऑफ बीच फाइलम, कौन सा फाइलम्स को मेंबर को हम लोग स्पॉन्ज कहते हैं, पोरीफेरा को. ये तो मैं पहला लेक्चर में भी बताया था कि पोरीफेरा को स्पॉन्जेस के नाम से जानते हैं. अब स्पॉन्जेस दे दिया तो पोरीफेरा लगा ही कराना है, आगे मत देखिए ठीक है. स्पॉन्जेस मिल जाए क्वेश्चन में, पोरीफेरा मार के चल आइएगा, सही हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, बिच ऑफ द फ्लोविंग इज ट्रू अबाउट नन कोर्डेट. नन कोर्डेट के अब पूछ रहा है, अभी मैं कोर्डेट का प्रोबेटिव पढ़ाया, अब नन कोर्डेट की पूछ रहा है ठीक है. तो इसमें ट्रू बताइए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जी गिल सील्स आर अब्सेंट. हार्ट इज वेंट्रल, नॉन कोर्डेट में हार्ट जो होती है वेंट्रल इज अ ट्रू. अच्छा ट्रू, ये गलत है जी, पहला ऑप्शन गलत है. गिल सिल्ट आर एबसेंट बिल्कुल सही है. नन कोर्डेटा का ये प्रॉपर्टी है जिसमें गिल सिल्ट एबसेंट होता है. अब पोस्ट एनल टेल इज प्रेजेंट, ये भी गलत है. नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट, ये भी गलत. नोटोकॉर्ड सिर्फ कोर्डेटा में ही प्रेजेंट होता है ठीक है ना, नॉन कोर्डेटा में नोटोकॉर्ड नहीं प्रेजेंट होता है. गिल सिल्ट आर एबसेंट ये प्रॉपर्टी है नॉन कोर्डेटा के. चलिए क्लियर है यहाँ तक. विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम. अरे भैया ये तो रिपीट हो गया क्वेश्चन, मोलस्का पहला क्वेश्चन रिपीट हो गया. चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन रिपीट ही होते हैं. जो रेलवे का एग्जाम हो गया, एसएससी का एग्जाम हो गया, ये सब क्वेश्चन को रिपीट ही करते हैं, सेम क्वेश्चन. इस बार जो जेई का एग्जाम हुआ है ना जी, उसमें तो सेम क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, प्रीवियस ईयर का सेम क्वेश्चन, नॉन्टे का रिपीट हुए हैं. इसीलिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवर 2/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पीसीज ऑन दी अर्थ, लगभग 2/3 जाति पृथ्वी पर कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है. तो इसका करेक्ट आंसर सभी लोग बताएं, आर्थ्रोपोडा ठीक है. आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम है, तो जाहिर सी बात है कि 2/3 आपको स्पीसीज जो मिलेंगे अर्थ पे, अर्थ का अर्थ पे जितने स्पीसीज है उसका 2/3 आपको सिर्फ आर्थ्रोपोड्स का स्पीसीज मिलेगा ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल अच्छे से मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ और अच्छे से समझते चलना है. आप अपना यहाँ पे टाइम दे रहे हैं तो यहाँ से ग्रैब करके कुछ जाइए ना, तभी तो बेनिफिट होगा आपके लिए. अब वीडियो अभी तक जो लाइक नहीं है फटाफट वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हम लोग के लिए बहुत ही मोटिवेशन का काम करता है. सो वीडियो को जरूर लाइक करें और इसे जितने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें ताकि प्रत्येक स्टूडेंट का इसका बेनिफिट हो सके. चलिए हाँ, ह्यूमन बींग्स बिलोंग्स टू बीस कैटेगरी ऑफ द इकोसिस्टम. आपसे पूछा जा रहा है जी कि हम लोग जो है ना मानव प्रजाति कौन सा कैटेगरी, कौन सा प्रणाली में, इकोसिस्टम के कौन सा प्रणाली, कौन सा श्रेणी के अंदर आता है, ये आपसे पूछा जा रहा है. सभी लोग इसका आंसर बताएं. इसका करेक्ट आंसर होगा ओमनीबोरस यानी सर्वाहारी. ये कंफ्यूज मत होइएगा, ह्यूमन बींग्स जो होती है ना वो कहीं कहीं लोग हर्बीवोरस लगा के आ जाते हैं शाकाहारी, नहीं जी ह्यूमन बींग जो है वो ओमनीबोरस है, सर्वाहारी है. मांस भी खा सकता है और फल वगैरह भी खा सकता है, फल सब्जी वगैरह भी खा सकता है. अब कुछ उसमें पंडित होते हैं और कुछ मैं बोल रहा हूँ जो समझाना चाहो आप समझ ही गए होंगे, इसलिए ह्यूमन बींग ओमनीवोरस होता है. चलिए ठीक है. बीच एमंग द फ्लोविंग हैज अ सेगमेंटेड बॉडी. आपसे कैरेक्टर दे दिया है जी, प्रॉपर्टी दे दिया है कि सेगमेंटेड बॉडी कौन सा फाइलम में होती है. मैं बता दूं इसका आंसर, आप लोग फटाफट बताएं, उसके बाद मैं बताता हूँ. एनालिडा, एनालिडा एक ऐसा फाइलम है जिसका बॉडी क्या होता है, सेगमेंट में होता है, मतलब एक सेगमेंट, दो सेगमेंट, सेगमेंट वाइज सेगमेंट उसका बॉडी बना हुआ होता है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोलॉजिकल नेम आर जनरली डिराइव फ्रॉम बीच लैंग्वेज. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन वीवीएम में इसलिए लगा रहा हूँ ना कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है. बायोलॉजिकल नेम जनरली डिराइव फ्रॉम कौन सा लैंग्वेज, इस टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं कि जैविक नाम जो होता है वो किस भाषा से प्राप्त हुआ है. इसका करेक्ट आंसर की बात करें, ये लैटिन में होता है. आपको जो बायोलॉजिकल नेम्स भी मिलेंगे ना वो लैटिन लैंग्वेज में लिखा हुआ होता है जी. ऑप्शन बी इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन. ऑरिलिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हायर स्केल के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑरिलिया जिसे क्या बोला जाता है, मेडूसा. एडमेसिया जिसे क्या बोला जाता है, पोलिप. हाँ पोलिप आर एग्जाम्पल ऑफ बीच फाइलम, कौन सा फाइलम का एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया. मैं इसमें एक और चीज आपको बताऊंगा, वो चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ये दोस्तों सिलेंट्रेटा का एग्जाम्पल है. ऑरिलिया, एडमेसिया, ये दोनों एग्जाम्पल किसका है, सिलेंट्रेटा. दूसरी बात
ऑरिलिया और एडमेसिया में एक तरह का प्रॉपर्टी होती है जिसको कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन प्रॉपर्टी किसमें पाया जाता है? ऑरिलिया और मेडूसा में, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आपको याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग मूव ऑन करते हैं। इन एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन विच ऑफ द फ्लोविंग इज नॉट अ फाइलम। आपसे बोल दिया वो पूछा जा रहा है कि प्राणी जगत के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन संघ नहीं है, कौन सा फाइलम नहीं है जी, ये पूछा जा रहा है। तो ये तो भाई सभी को पता होना चाहिए, सीलोमेट। कोर्डेटा तो फाइलम है भाई, एनालिडा भी फाइलम है, मोलस्का भी फाइलम, सीलोमेट भैया ये तो अलग कैटेगरी है। जैसे सीडो सिलोमेट, ए सिलोमेट, ये तो वो स्किन का अलग कैटेगरी है, सिलोम का अलग कैटेगरी है। ये सिलोमेट कोई तरह का फाइलम नहीं है, ठीक है, इसीलिए ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। मोलस्का फाइलम है, एनालिडा फाइलम है, कोर्डाटा फाइलम। चलिए, द बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाई मेजोडर्म इज कॉल्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वैसा बॉडी कैविटी, यहाँ पे कैवेटा लिखा गया, कैविटी होगा, ठीक है, मिसप्रिंटिंग है। बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाई मेजोडर्म, वैसा बॉडी का कैविटी जो मेजोडर्म से लाइंड है, ठीक है ना, मेजोडर्म का लेयर पाया जा रहा है, उसे क्या कहते हैं, आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जी ऑप्शन ए, उसे सिलोम कहते हैं, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी चैम्बर डज अ काउ स्टोमैच है। गाय के उदर में कितने कक्ष होते हैं, चैम्बर पूछा जा रहा है जी। गाय के पेट में कितने चैम्बर होते हैं? चार चैम्बर का पेट होता है गाय का, ठीक है ना, गाय का पेट में चार चैम्बर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करें, क्लियर यहां तक? सारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर्स का ही सेट इस चैनल पे लगभग फोकस किया जाता है, ताकि आपको एग्जाम में डायरेक्ट वे में क्वेश्चन लड़े, क्योंकि वहां पे इतना टाइम थोड़ी ना रहता है कि पैटर्न पे लड़े तो कर लिया जाए। आपसे अगर डायरेक्ट लड़ता है तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन होगा ना, इसलिए प्रीवियस ईयर्स का हम लोग सेट करवाते हैं। सो वीडियो को टिल लास्ट तक देखिए और वीडियो जरूर से जरूर शेयर करें, क्योंकि इस चैनल स्टडी इंडिया अड्डा ही एक चैनल है जहां पे कोई पेड कोर्स नहीं होती है, सारा पीडीएफ सब कुछ फ्री में प्रोवाइड करवाया जाता है। बस आपको टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करना होता है, वहां पे पीडीएफ भी दे दिया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। नो पेड कोर्स अवेलेबल ऑन दिस चैनल, हम लोग पेड कोर्स बिल्कुल नहीं चलाते हैं, क्योंकि चलिए देखिए क्वेश्चन। अब देखिए, बीच व्हाट इज द नेम ऑफ द वॉइस वॉक्स ऑफ वर्ड। वर्ड का वॉइस वर्क्स को क्या कहा जाता है जी? इसका करेक्ट आंसर होगा साइरिनिक्स। हम लोग का ह्यूमन का वॉइस वॉक्स को क्या कहते हैं? लैरिनिक्स कहते हैं, ठीक है। और जब बोल दिया जाए बर्ड्स का, पक्षी का, तो उसे क्या होता है? साइरिनिक्स, याद रखिए, सिरिनिक्स, ठीक है, सिरिनिक्स बोलिए, साइरिनिक्स बोलिए, शाब्दनी हिंदी इसका होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एनिमल विच यूज टू फीट फॉर लोकोमोशन इज। वह पशु कौन सा है जो चलने के लिए नाल पदों का प्रयोग करता है, यानी लोकोमोशन के लिए ट्यूब फीट का यूज करता है, ठीक है, ये कौन सा एनिमल है? इसका करेक्ट आंसर की बात करें, स्टारफिश। स्टारफिश जो है लोकोमोशन किससे करता है जी? ट्यूब फीट, ठीक है ना, ट्यूब फीट से, FEET होना चाहिए, ट्यूब फीट से यूज करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द वर्ड विच कैन फ्लाई बैकवर्ड। उस पक्षी का नाम बताइए जो पीछे की ओर उड़ सकता है, ठीक है। ऐसे तो जनरली पक्षी आगे की ओर उड़ते हैं, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है वो बर्ड का नाम बताएं जो पीछे की ओर उड़ सकता है, विच कैन फ्लाई बैकवर्ड। इसका करेक्ट आंसर की बात करें, हमिंग बर्ड। मरमर पक्षी जो होता है वो बैकवर्ड भी उड़ सकता है। चलिए क्लियर यहां तक। बीच इज द ओनली वर्ड विच कैन फ्लाई बैकवर्ड, कौन सा? अच्छा, वह एकमात्र पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर उड़ सकता है? हमिंग बर्ड, क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है ना, हमिंग बर्ड। चलिए इसका करेक्ट आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फ्लोविंग इज नॉट यूनिसेलुलर। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन यूनिसेलुलर नहीं है। यूनिसेलुलर मतलब एक सेल का बना हुआ नहीं है, ठीक है ना, ये आपसे पूछा जा रहा है जी। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन डी, हाइड्रा। बाकी युग्लेना, अमीबा, पैरामीशियम। पैरामीशियम ये सब क्या है दोस्तों? ये सब यूनिसेलुलर है, लेकिन हाइड्रा जो है वो यूनिसेलुलर नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बाय विच प्रोसेस अ टैडपोल डेवलप्स इनटू अडल्ट फ्रॉग। आपसे पूछा जा रहा है ना जी कि जो फ्रॉग में होता है वो किस तरह का फर्टिलाइजेशन होता है, ये पूछा जा रहा है ना।
कि मतलब टैडपोल कैसे अडल्ट फॉर्म में डेवलप हो जाता है, कैसे उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं सॉरी डेवलपमेंट पूछा जा रहा है, डेवलपमेंट कैसे होता है। इसका करेक्ट आंसर की बात करें, मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस से टैडपोल जो है वो अडल्ट फ्रॉग में डेवलप्ड हो जाता है, मेटामॉर्फोसिस याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉकरोचेस, कॉकरोच क्या है जी, तिलचट्टा क्या है, हर्बीवोरस है, ओमनीवोरस है, कार्निवोरस है, सिंगिवोरस है। इसका करेक्ट आंसर की बात करें, कॉकरोच जो है वो ओमनीवोरस है, ठीक है, कॉकरोच याद रखिएगा ओमनीवोरस है, ये क्वेश्चन को भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फ्लोइंग एनिमल इज ओस्मो कॉनफॉर्मर, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित प्राणियों में से कौन सा प्राणी प्रांतस्वरूपी है, ठीक है, प्रांतस्वरूपी है यानी ओस्मो कॉनफॉर्मर है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन हैग फिश, हैग फिश क्या है, एक तरह का ओस्मो कॉनफॉर्मर है, याद हो रहा है सभी क्वेश्चन याद करते हुए चलना है। सिल्वर फिश इज इंक्लूडेड इन द फाइलम, सिल्वर फिश जो होती है रजत मीन, कौन सा फाइलम में आता है जी, कौन सा फाइलम में शामिल किया गया है सिल्वर फिश का, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा में क्या आता है, सिल्वर फिश आता है, क्लियर यहां तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फ्लोइंग रेप्टाइल्स इन द हार्ट आर फोर चैम्बर्ड हार्ट, आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा रेप्टाइल में जो हार्ट होता है ना जी वो चार चैम्बर्ड स्ट्रक्चर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन सी, क्रोकोडाइल में जो हार्ट आपको मिलेगा वो चार चैम्बर्ड होगा। दूसरी बात, क्रोकोडाइल एक तरह का क्या है, रेप्टाइल्स है, ठीक है, रेप्टिलिया में आता है, ठीक है, रेप्टाइल है क्रोकोडाइल, क्लियर यहां तक। चलिए, बीच ऑफ द फ्लोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, कौन सा एग्जाम्पल है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का, तो ये सब तो लगता है सारा है, अभी मैं बताया इगुलीना, अमीबा, परमिशियम, एक हाइड्रा आया था तो वहां पे नोट लगाना था, क्वेश्चन याद है ना, वहां पे नोट यूनिसेलुलर था तो वहां पे हाइड्रा को लगाया था कि हाइड्रा यूनिसेलुलर नहीं है, तो यहाँ पे भाई यूनिसेलुलर पूछ दिया तो वो तीनों यूनिसेलुलर है, इगुलेना, अमीबा, परमिशियम, यानी ऑप्शन डी, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है ना, सारा यूनिसेलुलर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 142 नंबर क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जी, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुकोशिकीय जीव नहीं है। इसका करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन डी है ना, ऑफ परमिशियम, अभी मैं क्या बताया, परमिशियम एक तरह का क्या है जी, यूनिसेलुलर है, मैं जो चीज बताया ना, परमिशियम हो गया, युगलेना हो गया, ये सब बताया यूनिसेलुलर है, याद रखना, यही सबसे क्वेश्चन अक्सर पूछेंगे कि कौन सी मल्टी सेलुलर है, कौन सा यूनिसेलुलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग यूजेस द स्पॉन हाँ स्पैन मैकेनिज्म टू डुप्लीकेट इटसेल्फ, इनमें से कौन सा स्वयं को डुप्लीकेट करने का स्पॉन मैकेनिज्म अपनाता है जी, एक मैकेनिज्म है स्पॉन मैकेनिज्म जिसके नाम से जानते हैं, उससे क्या होती है कि अपने को डुप्लीकेट बना लेता है, डुप्लीकेट कर लेता है यानी अपने जैसा मतलब डुप्लीकेट कर लेता है, तो वो प्रॉपर्टी किसमें पाया जाता है जी, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें, बॉम, ठीक है ना, ऑप्शन बी इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ फिश, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा मछली है। इसका करेक्ट आंसर की बात करें, सालमोन, सालमोन एक तरह की मछली है, जेली फिश पे मत जाना भाई कि फिश के मतलब मछली होता है, तो ऑप्शन देख के धर धर लगा दिए कि भाई फिश पूछ ही रहा है और ऑप्शन में भी फिश है तो जेली फिश लगा के चलाएं, गलत, जेली फिश एक तरह का फिश नहीं है, ठीक है, सैलमोन फिश है भाई, वेल तो आपको पता है मैमल्स में आता है, फिश में नहीं आता है, और लोबस्टर भी फिश में नहीं आता है, सैलमोन याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग मैमल्स ले एक, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी जानवर अंडे देता है जी, वो मैमल्स जो मतलब मैमल्स है, मैमल्स कहने का मतलब स्तनधारी है और वो अंडा देता है, वो कौन सा है आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें, प्लेटिपस, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे वीवीआई लगा रहा हूँ, प्लेटिपस, ठीक है, प्लेटिपस क्या है जिस दोस्तों, मैमल्स है, मैमल्स होते हैं, वो अंडा देता है, ठीक ना। Which among the flowing has maximum life span? According to option, आपको बताना है कि सबसे ज्यादा life span, सबसे ज्यादा जीवन व्यतीत कौन कर सकता है, ठीक है ना, life span आपसे पूछा जा रहा है।
इसका करेक्ट आंसर की बात करें जी, ऑप्शन बी टोटोआइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमंग द फ्लोइंग बीच वन लेज एग्स एंड डज नॉट प्रोड्यूस यंग वंस डायरेक्टली। आपसे पूछा जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप बताएं कि कौन अंडा देता है और डज नॉट प्रोड्यूस यंग वंस डायरेक्टली नहीं प्रोड्यूस करता है, आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन ए इकाइडना। ए भी एक्सेप्शन के तौर पे आता है, इसीलिए इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, वीवीआई लगा दियो, इकाइडना इसका होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लीपर एनिमल कूल्स इज द कॉमन नेम ऑफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये दोस्तों, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करवा रहा हूं कि आई होप ये नाइन्थ या टेंथ में ये चीज लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, नाइन्थ और टेंथ का एनसीईआरटी में लिखा हुआ, मुझे याद नहीं है कन्फर्म, लेकिन हो सकता है नाइन्थ का एनसीईआरटी में लिखा हुआ स्लीपर एनिमल कूल्स किसका कॉमन नेम है, इसीलिए इंपॉर्टेंट इसे करवा रहा हूँ कि जो जनरल एग्जाम होते हैं उसमें नाइन्थ टेंथ लेवल का सिलेबस दिया हुआ था, अप टू टेंथ लेवल। 148 का सभी लोग आंसर बताएं, इसका करेक्ट आंसर की बात करें पैरामीशियम। पैरामीशियम दोस्तों स्लीपर एनिमल कूल्स यानी बिल्कुल चप्पल का साइज का पैरामीशियम होता है, इसीलिए स्लीपर एनिमल कूल्स इसका कॉमन नेम है, ठीक है, याद रखिएगा, चप्पल से याद रखिएगा पैरामीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीच एक्वेटिक एनिमल हैज ट्रेलिंग टेंटिकल्स। किस जलीय जानवर के पीछे चलने वाला टेंटिकल्स होता है, ट्रेलिंग टेंटिकल्स होता है एक्वेटिक एनिमल में, ठीक है ना, इसका करेक्ट आंसर की बात करें जेली फिश में, ठीक है। जेली फिश एक तरह का फिश नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूं, इसमें क्या प्रॉपर्टी होती है, टेंटिकल्स लगा हुआ था जिससे वो चल सके पानी में, एक्वेटिक एनिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्वस एसिनस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ। आपसे पूछा जा रहा है एक्वस एसिनस किसका साइंटिफिक नेम है, ये दोस्तों डंकी का साइंटिफिक नेम है, डंकी का साइंटिफिक नेम है एक्वस एसिनस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्वस कैविलस इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ। कैविलस किसका नाम है साइंटिफिक नेम, ये हॉर्स का है, ठीक है, दोनों ही याद रखिएगा, कैविलस आ जाए तो हॉर्स लगा दीजिएगा और एसिनस आ जाए तो डंकी लगा दीजिएगा, ठीक है। एक्वस वर्चेली इज द साइंटिफिक नेम ऑफ, ये जेवरा का है, ठीक है, याद रखिएगा, ये सब पूछा जा सकता है, एक ने एक पूछ लेते हैं साइंटिफिक नेम, इसलिए साइंटिफिक नेम का भी जो क्वेश्चन पूछा हुआ मैं इसमें इंक्लूड किया हूं ताकि आपको एक बार माइंड में रहे। एसोनियक्स, हाँ एसिनोनिक्स जूबेटस, ठीक है, एसिनोनिक्स जूबेटस किसका साइंटिफिक नेम है, ये दोस्तों चीता का साइंटिफिक नेम है, ठीक है, क्लियर यहां तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रोडेंसिया अस्क्यूरस, रोडेंसिया अस्क्यूरस किसका साइंटिफिक नेम है, किसका वैज्ञानिक नाम है आपसे पूछा जा रहा है, इसका करेक्ट आंसर होगा अस्क्वायरल, गिलहरी का, ठीक है ना, गिलहरी का यह नाम है रोडेंसिया अस्क्वायरस अस्क्यूरस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रैब्स बिलोंग्स टू कौन सा फाइलम, केकड़ा जो है दोस्तों वो कौन सा फाइलम से बिलोंग करता है, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें ये ऑर्थोपोडा से बिलोंग करता है, ठीक है। प्रॉन्स बिलोंग्स टू बीच फैमिली, प्रॉन्स कौन सा फैमिली से बिलोंग्स करता है जी, ये हो जाएगा क्रिटेशियन, क्रिस्टेशियन फैमिली से बिलोंग करता है, आपसे फैमिली पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा फैमिली पूछा जा रहा है, इसलिए मैं क्रिटेशियंस लगाया, ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोरिया लेसर टाइडी, ठीक है, सोरिया लेजर टाइडी इज द साइंटिफिक नेम ऑफ, वैज्ञानिक नाम थोड़ा उठपटांग होता है दोस्तों क्योंकि ये सब लैटिन से उधर से ड्राइव हुआ है ना, इंडियन नेम नहीं है, इसलिए और याद भी करना होता है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है सोरिया लेजर टाइडी किसका साइंटिफिक नेम है जी, इसका करेक्ट आंसर होगा लिजार्ड, लिजार्ड का साइंटिफिक नेम है। चलिए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन, याद कर लीजिएगा, ये पूछते हैं रेलवे में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लिजार्ड का पूछ लिया जाता है। आर्बोरियल एटलस, ठीक है, आर्बोरियल एटलस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ, ये साइंटिफिक नेम किसका है, स्पाइडर मंकी, मकरी बंदर का जो साइंटिफिक नेम है वो है आर्बोरियल एटलस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेविलिया रोबस्टा का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों,
ग्रेविलिया रोबस्टा का वैज्ञानिक नेम आपसे पूछा जा रहा है, साइंटिफिक नेम, ये सिल्वर ओक का साइंटिफिक नेम है ग्रेविलिया रोबस्टा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। स्पाइडर बिलोंग्स टू विच फाइलम, स्पाइडर कौन सा फाइलम से बिलोंग करता है दोस्तों? स्पाइडर जो है वो ऑर्थोपोडा से बिलोंग करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोविंग ऑर्गेनिज्म आर कंसिडर्ड टू बी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग, कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो जीवित और अजीवित दोनों में माना जाता है, यानी वो लिविंग भी है भाई नॉन लिविंग भी है। ये तो सभी को पता होना चाहिए, वायरस है ना, लिविंग नॉन लिविंग दोनों में कंसीडर किया जाता है वायरस को। 162 का डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा बिलोंग्स टू विच फाइलम, अमीबा कौन सा फाइलम से बिलोंग करता है? जी ये प्रोटोजोवा से बिलोंग करता है। ठीक है ना, ऑप्शन ए इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन। और जो पीछे वाला लिविंग नॉन लिविंग वाला एक क्वेश्चन करवाया, इसे भी वीआई लगा लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 एक्वेटिक एनिमल हैज ट्रेलिंग टेंटिकल्स, क्वेश्चन रिपीट हो गया है लेकिन आप देख सकते हैं वो वहां पे कुछ किसी दूसरे एग्जाम में पूछा होगा, यहाँ पे किसी दूसरे एग्जाम में पूछा है। इसका करेक्ट आंसर होगा जेलीफिश, मैं बताया था, जिसमें ट्रेलिंग टेंटिकल्स होता है। और जेलीफिश एक तरह का फिश नहीं है, मैं ये भी बताया था। चलिए फिश नहीं, फिश में नहीं आता, सिर्फ नाम इसका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रोडेंसिया म्यूरिडा किसका साइंटिफिक नेम आपसे पूछा जा रहा है? इसका करेक्ट आंसर होगा माउस, माउस का साइंटिफिक नेम, इसे भी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, रोडेंसिया म्यूरिडी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉन्स बिलोंग्स टू बीच फाइलम, भाई फाइलम आपसे पूछा जा रहा है, प्रॉन्स कौन सा फाइलम से बिलोंग करता है? ये दोस्तों आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है, झींगा जो है वो आर्थ्रोपोडा फाइलम से बिलोंग करता है। दूसरी बात, फैमिली पूछे तो क्रस्टेशियन फैमिली, और फाइलम पूछे तो आर्थ्रोपोडा। क्लियर यहां तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट डॉल्फिन स्पीसीज इन ओरका आल्सो कॉल्ड, जो लार्जेस्ट डॉल्फिन स्पीसीज ओरका में होता है उसे क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों किलर वेल, इसे कहते हैं। ठीक है, लार्जेस्ट डॉल्फिन स्पीसीज है, किलर वेल जो है वो डॉल्फिन स्पीसीज का ही नाम है, लार्जेस्ट डॉल्फिन स्पीसीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओस्टर बिलोंग्स टू विच फाइलम आपसे पूछा जा रहा है, ओस्टर कौन सा फाइलम से बिलोंग करता है? ओस्टर के लिए मोलस्का से, ओस्टर जो है वो मोलस्का से बिलोंग करता है, मोलस्का फाइलम से बिलोंग करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो इस चैनल पे जो क्वेश्चन करवाया जा रहा है, आप पूरा क्वेश्चन अगर अच्छे से कर लीजिएगा तो आपको एक अंदर से जो क्वेश्चन बैंक होता है ना, ये क्वेश्चन बैंक का फीलिंग आ जाएगी, बहुत सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बहुत सारा दिमाग में अपलोड हो जाएगा, एक तरह से क्वेश्चन बैंक आपके अंदर तैयार हो रहा है। इसीलिए सेशन जरूर लगाए और वीडियो को टिल लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि 100 100 क्वेश्चन होता है जी, 100 क्वेश्चन से मुश्किल से आपको 40 मिनट का टाइम देना होता है, और 40 मिनट में आप बहुत अच्छे से समझ के और सीख भी लेते हैं, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल सेशन है। और अक्सर प्रीवियस ईयर्स का ही क्वेश्चन को टारगेट किया जाता है। 169 क्वेश्चन देखें, सी एनिमल्स बिलोंग्स टू द फाइलम, सी एनिमल्स जो है वो कौन सा फाइलम में बिलोंग करता है? इसे बीबीए लगा ले। इसका करेक्ट आंसर की बात करें जो, तो सिनिड्रिया, सिनिड्रिया से सी एनिमल्स बिलोंग्स करता है। अगर मैं बात आपको बताऊं ना, अगर फाइलम पढ़ाने लगे ना, तो फाइलम, एक फाइलम में एक दिन का कला जाएगा, यानी 2 घंटा से कम एक फाइलम में लगेगा नहीं, वो भी सिर्फ बेसिक बताएं, सिमेट्री हो गया उसका, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, मतलब जो बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट है वो पढ़ा है। ऐसे तो फाइलम का बहुत मोटा मोटा किताब होता है हायर स्केल में, वो सब डॉक्टरी जो लोग करते हैं ना मेडिकल साइंस में, वो सब पढ़ाई करते हैं। आपसे सिर्फ एग्जाम्पल पूछा जा रहा है, तो सी एनिमल्स कौन सा फाइलम से बिलोंग करता है? वो सिनिड्रिया से बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थवर्म्स बिलोंग्स टू विच फाइलम, अर्थवर्म्स कौन सा फाइलम से बिलोंग करता है? तो एनालिडा से, एनालिडा से अर्थवर्म बिलोंग करता है। ठीक है, क्लियर यहां तक? ऑक्टोपस कौन सा फाइलम से बिलोंग करता है? ऑक्टोपस जो है जी वो मोलस्का से बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पाइडर्स बिलोंग्स टू बीच क्लास ऑफ एनिमल, आपसे क्लास पूछा जा रहा है, स्पाइडर कौन सा क्लास से बिलोंग करता है? ये दोस्तों आर्किनिड्स, आर्किनिड एक क्लास है जिसमें स्पाइडर्स बिलोंग करता है। मकरिया, मकरियों का क्लास को वर्गीकरण जो क्लास है उसको क्या कहते हैं? आर्किनिड्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैनिस वल्फस, कैनिस वल्फस किसका साइंटिफिक नेम है? और ये क्वेश्चन को बीबीआई लगा लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, कैनिस वेल्फस के बारे में, फेलिस के बारे में ये सब पूछते हैं, तो यहाँ पे कैनिस वेल्फस है, इसे बीबीआई लगा लीजिए। ये दोस्तों फॉक्स का लोमरी का नाम है, ठीक है ना,
लोमरी को हम लोग कैनिस वेल्पस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैनिस फैमिलीज, कैनिस फैमिलीज किसका साइंटिफिक नेम है? डॉग का, ठीक है, डॉग का साइंटिफिक नेम कैनिस फैमिलीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैंथरा टिग्रिस, पैंथरा टिग्रिस किसका साइंटिफिक नेम है? टाइगर का, बाघ का, ठीक है, बाघ का साइंटिफिक नेम पैंथरा टिग्रिस है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अर्थवॉर्म द 14-16 सेगमेंट, 14 एंड 16 सेगमेंट, 14 to 16 सेगमेंट्स आर कवर्ड बाय प्रोमिनेंट डार्क वर्न ऑफ अ ग्लैंडुलर टिश्यू। अच्छा, जैसे अर्थवॉर्म में क्या होती है ना, अर्थवॉर्म का जो बॉडी होता है वो भी सेगमेंट में, सेगमेंटेड बॉडी होता है। उसको हायर स्केल पे आप लोग माइक्रोस्कोप में उसका अध्ययन कीजिएगा, अर्थवॉर्म को, जो अर्थवॉर्म जो होता है जनरली आप लोग देखे भी होंगे, वो अर्थवॉर्म का जो बॉडी होता है वो सेगमेंट होता है। तो वही पूछा आ रहा है, 14 से 16 सेगमेंट जो होता है वो प्रोमिनेंट डार्क बैंड का कवरिंग होता है ग्लैंडुलर टिश्यू का, उसको क्या कहते हैं, क्या नाम दिया गया, वही आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उसे सिलेटिलम, सिलेटिलम कहते हैं, सिलेटिलम, जिसे हिंदी में पारेनिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं, एंटीरियर एंड ऑफ एन अर्थवर्म कंसिस्ट ऑफ माउथ एंड, अच्छा, एंटीरियर एंड में अर्थवर्म में क्या चीज होता है, माउथ होता है, माउथ के साथ साथ क्या होता है एंटीरियर एंड पे आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें, माउथ के साथ साथ प्रोस्टोमियम होता है, माउथ के आगे होता है प्रोस्टोमियम। ये उसका स्ट्रक्चर स्टडी कीजिएगा ना, तो वहां पे आपको बहुत अच्छे तरीके से 11th का एनसीईआरटी में बहुत अच्छे तरीके से डायग्राम के बेसिस पे बताया हुआ है कि प्रोस्टोमियम कहाँ पे है, माउथ कहाँ पे है। एंटीरियर एंड पे याद रखिएगा, अर्थवॉर्म में माउथ होता है, प्रोस्टोमियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर है यहाँ तक सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्टोपस बिलोंग्स टू बीच एनिमल फाइलम, ऑक्टोपस किस प्राणी संघ के अंतर्गत आता है? जी ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं करवाया हूँ, लेकिन देखिए वहां पे सीएचएसएल का क्वेश्चन था और यहाँ एसएससीजे में क्वेश्चन पूछ दिया है। देख सकते हैं कितना रिपीट हो रहा है, बस थोड़ा सा चेंज कर रहा है, बस रिपीट कर दे रहा है, और ये तो क्वेश्चन बिल्कुल सेम पूछ दिया, कोई चेंजमेंट ही नहीं है इसमें। इसका करेक्ट आंसर होगा मोलस्का, ऑक्टोपस किस में बिलोंग करता है, मोलस्का में बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीनिया टैबोम हेसिकुलाई लिवर फ्लॉक, भाई दोनों याद रख लेना, ये जो लिवर फ्लूक है ना, इसे फैसिकुलाई को बोलते हैं, और टेनिया टैबवॉर्म, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछे जाते हैं, कौन सा फाइलम से बिलोंग करते हैं आपसे पूछा जा रहा है, ये प्लेटी हेलमेंटिस का एग्जाम्पल है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलिनिबलैक्स इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमेलिया विच इंक्लूड इंसेक्ट, क्वेश्चन पूछ रहा है जी आर्थ्रोपोडा, जब लार्जेस्ट फाइलम आ जाए एनिमल किंगडम का, आंख मूंद के लगा के आना है आर्थ्रोपोडा, ऑप्शन सी इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन। स्नेक टर्टल लिजार्स क्रोकोडाइल्स फॉल्स अंदर विच कैटेगरी ऑफ एनिमल, आपसे पूछा जा रहा है कि छिपकली मगरमच्छ सांप कछुआ ये कौन सा श्रेणी में आती है एनिमल किंगडम का? तो भाई इसका करेक्ट आंसर की बात करें, रेप्टिलिया में आता है, ये सब रेप्टिलियन है, ठीक है, रेप्टिलिया में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं, पोटैटो टोमेटो ब्रिंजल आर डिफरेंट स्पीसीज बट ऑल बिलोंग्स टू बीच जीनस, आपसे पूछा जा रहा है कि पोटैटो टोमेटो ब्रिंजल ये सब तो स्पीसीज अलग है सबका, लेकिन ये सब एक जीनस के अंतर्गत आते हैं, वो जीनस का नाम बताएं। इसका करेक्ट आंसर होगा ये सब सोलेनम के अंदर आता है, ठीक है, सोलेनम ट्यूबरसम हो गया, ये सब सोलेनम के अंदर आते हैं। नेरिस फ्रेटिमा, नेरिस फ्रेटिमा जिसे अर्थवर्म कहते हैं जी, एंड हिरुडिनेरिया ब्लड सकिंग लीच जिसे हिंदी में जोंक के नाम से जाना जाता है, जो ब्लड सक करता है, माँ जो स्किन होता है स्किन में वो अटैच हो जाता है बहुत अच्छे तरीके से, वो ब्लड सकिंग का काम करता है, ब्लड सोखने का काम करता है, याद रखिएगा उसे हिरुडिनेरिया कहते हैं। हिरुडिनेरिया ये इम्पोर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन में, ये आपसे नहीं पूछ सकता ये सब, लेकिन ये जरूर पूछेगा कि हिरुडिनेरिया को क्या बोला जाता है, या फिर ऐसे पूछ सकता है ब्लड सकिंग लीच को क्या बोलते हैं, उसका नाम बताएं। तो याद रखिएगा ब्लड सकिंग लीच हिरुडिनेरिया होता है। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, फ्रेटिमा अर्थवॉर्म हिरुडिनेरिया ब्लड सकिंग लीच और नेरिस कौन सा फाइलम में बिलोंग करते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे बोल रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें, ये सब एनालिडा का एग्जाम्पल है, एनालिडा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलिनिबलैक्स आर क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलॉइड ऑटोट्रॉफिक एंड लार्जली एक्वेटिक बोथ फ्रेश वाटर एंड मैरीन ऑर्गेनिज्म, दोस्तों
ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट लाइन आपसे रख दिया है, चिपका दिया है, बस एनसीईआरटी का डायरेक्ट जो लाइन होती है ना, वो लाइन को उठाकर रख दिया है। इसका करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन सी, ये दोस्तों एल्गी का मतलब डिस्क्राइब कर रहे हैं लाइन। दूसरी बात, क्लोरोफिल बियरिंग जो होता है वो अलगी ही होता है, और दूसरी बात, फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर और सिंपल थैलॉइड उसका बॉडी होता है और ऑटोट्रॉफिक होता है, ठीक है, अलगी का ये प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट मैमल, आपसे पूछा जा रहा है कि लार्जेस्ट मैमल कौन सा है। ये व्हेल है दोस्तों, इसे अब मैं वीवीआई नहीं भी करवाऊंगा तो आप वीवीआई से करवा कर लीजिएगा। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सभी को तो पता होगा कि लार्जेस्ट मैमल क्या होता है, व्हेल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग का साइंटिफिक नेम आपसे पूछा जा रहा है, सभी को पता होगा ये होमो सेपियंस होता है, ठीक है। विच ऑफ विच इज द ओनली एग्जाम्पल ऑफ मोलस्का फाइलम, आपसे पूछा जा रहा है, मोलस्का संघ का एकमात्र उदाहरण, इसका करेक्ट आंसर की बात करें ऑक्टोपस। ऑक्टोपस के बारे में देखिए कितना रिपीट हो रहा है, एक ही क्वेश्चन को अलग अलग फॉर्म में पूछ लिया जा रहा है। पहले पूछा था ऑक्टोपस कौन सा फाइलम से बिलोंग करता है, दूसरी बात मोलस्का के कौन सा एग्जाम्पल है जो मोलस्का फाइलम में बिलोंग करता है, निम्नलिखित में से कौन सा एग्जाम्पल है, तो ऑक्टोपस, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोविंग इज नॉट अमंग द थ्री मेन क्लास ऑफ एलिगा, ठीक है ना, निम्नलिखित में से कौन सा सवाल के तीन प्रमुख वर्गों में से नहीं है। इसका करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन डी, जिम्नोस्पर्म, ठीक है, क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, फियोफाइसी, ये सब टाइप्स ऑफ अलगी है जी, टाइप्स ऑफ अलगी है, ठीक है, अलगी का टाइप्स है क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, फियोफाइसी, जिसमें ग्रीन अलगी आता है, रेड अलगी आता है, ब्राउन अलगी आता है, ठीक है, लेकिन जिम्नोस्पर्म ये तो टाइप्स अलगी का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्डेस्ट सब्सटेंस इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस आपसे पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। ये दोस्तों टूथ इनेमल्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, टूथ इनेमल्स जो होता है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है, कठोर सब्सटेंस है ह्यूमन बॉडी का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन फीसिस इज येलो इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट, आपसे बोला जा रहा है जो ह्यूमन का बेस्ट मटेरियल होता है ना, बेस्ट मटेरियल जो बॉडी के अंदर से जो बेस्ट मटेरियल हम लोग जो खाते हैं खाना वगैरह, वो बेस्ट मटेरियल जो बाहर निकलता है वो येलो कलर का होता है, फीसिस जिसको बोलते हैं वो येलो कलर का होता है, वो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट, कौन सा पिगमेंट के कारण उसका जो कलर होता है ना जी वो पीला होता है। इसका करेक्ट आंसर की बात करें, यूरोबिलिन, ठीक है, यूरोबिलिन पिगमेंट का कारण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोविंग इज सिक्रेटेड बाय लीवर, लीवर के द्वारा कौन सा सिक्रेटेड होता है दोस्तों। अब हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी में चल रहे हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी का डाइजेशन का क्वेश्चन अभी देख रहे हैं, ठीक है, 196, हाँ ठीक है। इसका करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन डी, बाइल। बाइल क्या है दोस्तों, इज सिक्रेटेड बाय लीवर के द्वारा सिक्रेट होता है बाइल जूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिगमॉइड कॉलन इज प्रेजेंटिंग, सिगमॉइड कॉलन किसका भाग है जी। इसका करेक्ट आंसर की बात करें, ये लार्ज इंटेस्टाइन का भाग है, सिगमॉइड कॉलन किसका भाग है, लार्ज इंटेस्टाइन का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेस्टेशियंस रेफर्स टू सेंस ऑफ बीच ऑफ द फ्लोबिंग, गेस्टेशियंस जो है दोस्तों वो कौन सा मतलब स्वादन के आस निम्नलिखित में से किससे है, आपसे पूछा जा रहा है, ये दोस्तों टेस्ट से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, लार्जेस्ट ग्लैंड पूछ रहा है, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है, सभी को पता होना चाहिए, ये दोस्तों लीवर, लीवर सबसे बड़ा ग्लैंड है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन कर रहे हैं, बीच एंजाइम डाइजेस्ट प्रोटीन इन स्टोमेच, ठीक है, आमाशय में कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पाचन करने में मदद करता है, यानी प्रोटीन का डाइजेशन करता है पेट में, ठीक है, स्टोमेच में प्रोटीन का डाइजेशन किस कौन सा एंजाइम के माध्यम से होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें, पेप्सिन, पेप्सिन के माध्यम से प्रोटीन का डाइजेशन स्टोमेच में होता है, पेट में होता है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों आज का सेशन को यहीं पे समाप्त किया जाता है, हम लोग 200 क्वेश्चन देख लिए, 200 क्वेश्चन और हो गए बायोलॉजी में, जो एसएससी का बहुत सारे एग्जाम में पूछे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने का संभावना है, वो सारा क्वेश्चन इस चैनल पे करवा दिया जाएगा, बस आपको वीडियो को दिल से लाइक करना है, वीडियो को जितना से जितना शेयर करें दोस्तों, और सभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, और इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लें, पीडीएफ वहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया जाता है,
और मैं आपको बता दूं, इस चैनल का, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक न्यू चैनल का ओपनिंग हुआ है, स्टडी इंडिया अड्डा व्लॉग्स। उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उस चैनल पे आपको प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, रेड कलर का सब्सक्राइब बटन नजर आ रहा होगा, उसे क्लिक करके सब्सक्राइब कर ले। क्योंकि दोस्तों ये चैनल एक ऐसा मात्र चैनल है जो फ्री में आपको स्टडी मटेरियल करवाता है, फ्री में स्टडी मटेरियल भी देता है। दोस्तों स्टडी के साथ साथ स्टडी मटेरियल सारा कुछ फ्री में इस चैनल के माध्यम से दिया जाता है। बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो को जरूर लाइक करें। धन्यवाद।